हेलो वेलकम बैक गाइस एक और नए व्लॉग में। और भाई अभी बज चुके हैं दोपहर के 4:15। और भाई मैं ना नमकीन लेके आया, ठीक है। तो ये देखो, ये एक कटोरी भी नहीं है, आधी कटोरी है ये नमकीन, आधी कटोरी। ये 10 रुपए की है यार। सोचने वाली बात है, 10 रुपए की सिर्फ इतनी सी आ रही है। और मैं मतलब कि 10 रुपए की लाने नहीं गया था, मतलब गाँव में यहाँ पे मैं गया था लाने। ये वाली नमकीन अच्छी आती, तिजारा नाम है इसका, हमारे हरियाणा में तो भाई चलती है मस्त, मेरे को भी मस्त लगती है। तो मैं लेने गया था, मैं पूछा कि भाई, बोले कि 10-10 वाले ही पैकेट है। तो 10-10 वाले पैकेट में दो लेके आया। फिर मैंने आके खोल के देखी, सिर्फ इतनी सी है यार। सोचो कितनी महंगाई बढ़ गई है भाई, 10 रुपए कितनी सी नमकीन आने लगी। चलो ठीक है, चाय पीते हैं, बाद में मिलते हैं। टाइम हो गया शाम के 5:45 हो गए। और भाई गर्मी बहुत भयंकर है। मेरी सारी टोपी धो देना मेरे जाने से पहले। कितनी है, 1, 2, 3 और अलमारी में कितने रखी हैं, 2। तो सारी टोपी मेरी धो देना और मेरे कपड़े भी, और सारे रख देना साइड में ताकि मेरे को डालने में आसानी रहे। भाई अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 17 तारीख से, तो मैं शायद 16 की शाम को ही निकल जाऊँगा और अपनी सब पैकिंग वैकिंग करके जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेके जाऊँ ताकि मेरे को धोने की कम जरूरत पड़े, फिर एक दिन धो लूंगा संडे को, क्योंकि मेरी क्लास रहेगी 6 to 9 o'clock to evening 6 o'clock। तो कपड़े वपड़े धोने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, बस संडे ही बचेगा। और दूसरी चीज, शायद मेरे वो जो फॉर्मल पैंट है ना, ब्लैक कलर की जो पैंट है, व्हाइट शर्ट है, वो भी निकालना, देखना है उसको भी क्रॉस चेक करके कि आती है कि नहीं आती है। मेरे को लग रहा है नहीं आएगी वो, कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हमें फॉर्मल्स डालना पड़ता है। तो अगर वो नहीं आएगी तो मेरे को फिर एक पेयर फॉर्मल ड्रेस भी लेनी पड़ेगी, एक और खर्चा। यार भाई इतना खर्च हो रहे ना, बस पूछो ही मत। देखते हैं क्या होता है, तो उसको निकाल देना, देखते हैं आती कि नहीं। और हाँ, मेरा ये बैग भी धो देना, लगेज कैरी बैग। भाई वो कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, काफी दिन हो गए यार रखे रखे, वो सब हो गया ऐसे। अब धोना तो क्या है इसको, कोई देख के बोलेगा अरे कितना काम करा था भाई, सिर्फ वॉशिंग मशीन में डालना है, हाथ से नहीं धोना, वॉशिंग मशीन में डाल के ही धोने तो हो जाएगा। हाँ एक ये वाला तो धुला है ना, इसी कोई दिक्कत नहीं, ये तो साफ, हाँ ये उस दिन धो दिया इसमें, मेरा जिस दिन मैं आया ना उस दिन मेरा एक शोवर जेल ओपन हो गया था, पूरा सारा खराब हो गया, तो इसको तो धो दिया था, ये भूल गया था धुलवाना, इसको धुलवाऊंगा, फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे और निकलना है। बाकी अभी टाइम हो गया शाम के, भाई धूप भाई बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता बाहर, अभी बाद में जाएंगे। माने के बाद यार मैं काला हो गया, मतलब काला नहीं, मतलब धूप में रह के मेरा कलर थोड़ा सा सांवला हो गया। बाहर जाते हैं ना तो बस हाथ पैर ऐसे हो रखे हैं जल के, मतलब निशान अलग बन रखा होगा टी शर्ट का और इसका, मेरे हाथों का। भाई बाहर जाते धूप में तो, और अभी मैं थोड़ी देर पहले दुकान में गया था, वो बता रहा था ना वो लेने, क्या बोलते हैं उसको, नमकीन और बिस्किट। उसी टाइम इतनी गर्म हवा आ रही थी, बस मन ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहीं गैस वैस पे तो नहीं बैठूं। इतनी भयंकर धूप थी। अभी जाऊंगा थोड़ी देर बाद बाहर जाऊंगा, उससे पहले मेरे को एक बार बस स्टैंड भी जाना है, मेरा छोटा भाई आ रहा है उसको लेके आना है, फिर धूप। 20 मिनट पहले ये बोतल में फ्रिज से निकाल के लेके आया था भाई, और अब मैंने पानी पिया ना, गर्म हो रखा है बिल्कुल ये। बाकी अपनी फ्रीज अभी तक हुई नहीं है ठीक, आज भी मैंने कॉल किया था तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, वो उसने ऑर्डर किए हुए हैं, सर्विस जो सर्विस करके जाएगा ना उसने, तो बोल रहा है कि अभी तक आए नहीं है, वो मंडे या ट्यूसडे तक आएंगे, तो मे बी वेडनेसडे तक ही ठीक होगा। कोई बात नहीं, 2 दिन और सही, 2 दिन और गर्म पानी पीना पड़ेगा मतलब कि। बाकी अभी टाइम हो गया है 10 और अब खाना हुआ है, आज लेट हो गए खाना खाने में, ऐसे बैठ गए थे मौसी वगैरह हम सब, बातें कर रहे थे तो लेट हो गए। बाकी भाई हवा चल रही है, आंधी आई थी थोड़ी देर पहले तो, और अभी भी हवा थोड़ी तेज ही है, कपड़े वपड़े कुछ दिख नहीं रहे कि ताकि तुम लोगों को दिखाओ, अंधेरा है। बाकी तारे बिल्कुल भी नहीं है, बादल हो रखे हैं तो बारिश आ सकती है, इसलिए ये सब अंदर उठा के रखना पड़ेगा, चरपाई को अंदर, और अभी बर्तन बाकी है तो कच लो करेगी बर्तन। कि भाई मेरे ना पेन अभी तक है उसमें, इस साइड वाले क्या बोलते हैं जाड़ में, तो अभी खाना खाने के बाद मैं ये ट्राई कर रहा हूँ सेंसोडाइन से, जिस दिन कर लेता ना भाई, पहली बात तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ठीक है, इतना बड़ा वैसे बात
इतना बड़ा अपना चैनल भी नहीं है कि इतने बड़े ब्रांड का हमें स्पॉन्सर मिले। भगवान ने चाह तो कभी ना कभी मिल जाएगा, इतना नहीं तो कोई छोटा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये सेंसोडाइन से जिस दिन ब्रश कर लेता हूँ ना, उस दिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और कभी कभी मैं ये माउथ वॉश भी यूज़ कर लेता हूँ डिस्टिन का, तो नहीं होती। पता नहीं क्यों अभी होने लगी है, पता नहीं, कोई तो बोल रहा है कि वो क्या अक्कल जाड़ आती है, अक्कल जाड़ भी हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। तो कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ब्रश तो हो गई है, अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अभी लग रहा है हाँ ठीक है, अभी ज़्यादा पेन नहीं फील हो रहा। कि भाई एसी को चलाए हुए ना मेरे को ऑलरेडी 10 मिनट हो गए, और कमरा तुमको मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और अभी तक भी रूम ठंडा नहीं हुआ ढंग से। बाकी ये मत बोलना भाई 24 किया हुआ टेम्परेचर कैसे ठंडा होगा, तो भाई 24 इस रूम के लिए मोर देन इनफ होता है। मैं इतने पे यूज़ करता हूँ, इससे बिजली भी कम खाता है, तो भाई बिजली भी थोड़ी बचानी पड़ती है। वैसे भी इस बार बिल काफ़ी लंबा चौड़ा आ गया था 6,500 का, तो अभी बिजली बचाते हैं हम लोग थोड़ी, 24-26 पे रखता हूँ, क्योंकि रूम ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाए और ज़्यादा एसी ना चले। तो 24 यार ठीक है, 24 में आराम से सो सकते हैं, 24-26 में इनफ है यार। वो मतलब कि मेरे को तो वेस्ट लगता है कि तुम 16-18 डिग्री पे मतलब रख रहे हो, वो तुम्हारा एसी पहली बात तो इतना चलेगा, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद तुम ओढ़ के सो रहे हो कंबल वगैरह, तो वो तो वेस्ट ऑफ है यार, वेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो 24-26 रखता हूँ, उसे मेरे को लिए नॉर्मल हो जाता है, सोने लायक होता है, और मेरे को तो इसमें भी सर्दी लगने लग जाती है कभी कभी तो। बट आज टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और अभी तक गर्म है, बल्कि मैं नहा भी चुका उसके बाद भी अभी मेरे को गर्मी लग रही है। और भाई पानी का तो मेरा बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बस मतलब वो फ्रिज का पानी नहीं मिल रहा, अजीब सा हो जाता है ना कि यार पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ठंडा पानी चाहिए पीने के लिए, बस ये है कि मटके में ठंडा है अब, बट पता नहीं क्यों यार फ्रिज का पानी में ज्यादा मजे आते हैं मेरे को पीने।